अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ा ही मज़ेदार फुल देसी तरीके वाला स्ट्रीट स्टाइल बर्गर की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स इसके। तो देखिए यहाँ मैंने बन लिए हैं, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी है इनकी और बड़ी सॉफ्ट से मुँह में घुल जाते हैं बस। और देखिए यहाँ मैंने लिए हैं पटैटो 5 बॉयल करके, और यहाँ मैंने लिए हैं 1 टमाटो लिया है, और एक मैंने ली है अनियन जिसे मैंने चॉप कर लिया है, 2 ग्रीन चिली ली हैं, कोरिएंडर इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था, एक मैंने ली है कैप्सिकम स्मॉल साइज़ की, और यहाँ मैंने ली है 6 से 7 कलियाँ लहसुन की, और यहाँ मैंने ली है तंदूरी मायनीज़ और वाइट वाली मायनीज़, बटर और चीज़ स्लाइस, और कुछ स्पाइसेस लिए हैं। 2 टीस्पून लिया है धनिया, कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये हमने स्पाइसेस ले लिए हैं सारे, ताकि जो हम आलू का एक मसाला बनाएंगे ज़बरदस्त। तो देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से नोट कर लें। तो चलिए इसको बनाने की तैयारी करते हैं। बहुत आसान है, सिंपल है, और उतना ही ये टेस्टी है। आपके बच्चों की फरमाइश हो शाम में कुछ खाने की, या छोटी मोटी बर्थडे पार्टी हो कुछ हो, तो बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने एक तवा लिया है, फ्लैट है ये बिल्कुल, और इसमें मैंने डाला है बटर 2 टीस्पून, और यहाँ मैंने जो गार्लिक लिया था वो ऐड कर दिया है, कैप्सिकम ऐड कर दी है, और हमें ना जो हम इसमें वेजीज डालेंगे ना, तो वो हमें ज़्यादा पकानी नहीं है, सिर्फ सौते करना है हल्का हल्का सा। तो अब हम अनियन, टमाटो और ग्रीन चिली, कोरिएंडर सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, और अच्छे से इसकी 1 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। सिर्फ हमें गलाना नहीं है, क्रंचीनेस इसकी ख़त्म नहीं करनी हमें। तो देखिए कितनी अभी से ही टेस्टी लग रही है ये, और इसे हम चलाएंगे बटर के साथ, 1 मिनट के लिए पकाएंगे बस। और देखिए ये अच्छे से बटर में अच्छे से ये सौते हो चुकी हैं। तो इसमें जो हमने सारे स्पाइसेस लिए थे अपने, अगर आपके बच्चे स्पाइसेस थोड़ा कम खाते हैं तो आप स्पाइसेस इसमें कम भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। आपके बच्चे नहीं खाते तो आप इसमें ग्रीन चिली, रेड चिली पाउडर वो भी कम कर सकते हैं। और देखिए सारी सब्जियों का और जो बटर है उसका हमने देखिए अच्छे से सब की ना सब मिला दिया है बहुत अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर बारिश करेंगे पटैटोज की, क्योंकि हमारे जो सूखे मसाले थे ना, स्पाइसेस थे, वो हमारे सारे पक चुके हैं अच्छे से। अब हम डालेंगे पहले इसमें चीज़ जो हमने ली थी, चीज़ स्लाइस। आप चाहें तो कोई सी भी चीज़, मोज़रेला चीज़ या कोई और सी चीज़, कुछ भी आप अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 स्लाइसेस ऐड कर दिए थे चीज़ के। और देखिए जब चीज़ मेल्ट हो गई ना, तो हम ऊपर से इस पे बारिश करेंगे पटैटोज़ की। तो देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, हम इसको एक जान कर देंगे, और सारे मसाले को पटैटोज़ में अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करके मिला देंगे, और इस तरह से चम्मच की मदद से हम इस तरह से इसकी कर देंगे मिक्सिंग। और देखिए ये सारा मसाला जो है हमारा बनकर रेडी हो गया है, और गैस की फ्लेम हमने स्लो कर दी है, और देखिए इसे हम कर देंगे साइड में, जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल बर्गर बना के वो देते हैं ना, कितना मज़ा आता है। सब्ज़ी रखी होती है उनके तवे पर, और वो इस तरह से हमें हाथ के हाथ बना कर देते हैं आँखों के सामने सारी चीज़ें। तो बस मैं भी आपको आपकी आँखों के सामने सारी चीज़ें स्ट्रीट स्टाइल बना कर दूँगी। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया ना, कि पहले 1 स्पून की मदद से हम इस पर नीचे वाला जो हिस्सा होता है बर्गर का, उसे हमने उठाया, और उस पर इस तरह से आलू का जो हमने मसाला तैयार किया था ना, तो आराम से इस पर बहुत इजी से लग जाता है। देखिए तंदूरी मायनीज़ और वाइट वाली जो मायनीज़ होती है, दोनों को मैंने ऊपर वाला जो पार्ट होता है बर्गर का उस पर लगा दिया है अंदर की साइड। अब हम क्या करेंगे, अब हम तवे पर डालेंगे एक साइड पर बटर, और बटर डालकर हम इसको मेल्ट कर लेंगे, थोड़ा सा फैला देंगे जहां हम बर्गर को ना अच्छे से सेकेंगे। ये हमने लिया है वड़ा पाव, जो चटनी होती है ड्राई वाली वो ले ली है मैंने, वो मैंने 1 टीस्पून इसमें बटर में ऐड कर दी है, ऊपर से कोरिएंडर डाल दिया है। अगर आपके पास ये मसाला ना हो तो आप एक काम करें कि थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, कोरिएंडर डाल दें बटर में, उसे घुमा लें बस। और देखिए इस मसाले के साथ ना इसका लुक और अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल फुल देसी तरीके से हम बना कर देंगे आपको, दिखाएंगे आपको।
और देखिए आप भी जब इस तरह से अपने घरों में बनाएंगे ना मेरे मेथड के साथ में, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे हमेशा आपसे ये कहेंगे कि इस तरह ही बनाकर हमें देने, कितना ज़बरदस्त टेम्परिंग हमारा टेस्टी डिलीशियस सा बर्गर लग रहा है स्ट्रीट स्टाइल, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल हल्की कर दी है। अब चलिए हम करते हैं अपने बर्गर की तैयारी। ऐसे ही हमने सारे बर्गर तैयार कर लिए थे, तो देखिए कितने मज़ेदार टेस्टी से स्ट्रीट स्टाइल हमारे मसाला बर्गर तैयार हो गए हैं, मसाला आलू वाला मसाला बर्गर। और देखिए ऊपर से जो हमारा मसाला हमने बटर वटर लगाया था ना, वो थोड़ा सा रह गया था, तो ऊपर से बुरिश की मदद से वो भी लगा दिया था। अब हम क्या करेंगे, एक टमाटो के स्लाइस और ग्रीन चिली से सर्व करेंगे, ऊपर से डाल देंगे कोरिएंडर, तो मज़ेदार सा हमारा स्ट्रीट स्टाइल बर्गर तैयार है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ।